यस तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आज मूल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। आई थिंक कुछ बच्चों को आता होगा बिल्कुल, और इसके कॉन्सेप्ट्स तो जिनको आता है उनके रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यस, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? ठीक है, तो मैं देखो यहाँ, यस, सर्कल एनटीपी का टेम्परेचर, ओके, वो लास्ट पॉइंट था ना, वहां पे डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। यस, उसको मैं करूंगा एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ, उसको करूंगा। मैंने आई थिंक ग्रुप पे भी उसके स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं। ठीक है, कल जो नहीं हो पाया था उसके स्क्रीनशॉट्स कुछ मैंने ग्रुप पे डाले हैं बच्चों, है ना। चलो, तो उसको मैं लास्ट में मैं उसको बता दूंगा। ठीक है खातिजा, यस। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखो बेसिक मीन क्या है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल दोज डिजिट, ऑल दो डिजिट्स दैट आर नॉन, दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी प्लस प्लस वन मोर व्हिच इज अनसर्टेन, व्हिच इज अनसर्टेन और एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेटेड। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली है क्या? ए सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड्स ऑल दोज डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स को इंक्लूड करेगा ये, दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी, जहां पे आपको सर्टेनिटी दिखाई देगी। सर्टेनिटी है क्या एक्चुअली, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ना एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जो डिजिट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, वो इंक्लूड करता है वो सारी के सारी डिजिट दैट आर नॉन विद सर्टेनिटी, जहां पे सर्टेनिटी दिखाई देती है वो डिजिट्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड प्लस वन मोर व्हिच इज अनसर्टेन इन, व्हिच इज अनसर्टेन और एस्टिमेटेड। तो एक एक दो चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। पहली चीज क्या है कि जहां पे सर्टेनिटी दिखाई देती हो वो वाले डिजिट सारे सारे, और एक चीज और प्लस यहाँ पे रहती है अनसर्टेन, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, जो अनसर्टेन है जो एस्टिमेटेड है वो वैल्यूज भी यहाँ पे ऐड करके दिखाई जाती है। तो सर्टेनिटी प्लस अनसर्टेनिटी दोनों के कॉम्बिनेशन को बच्चों बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली है क्या, आपके जो भी सर्टेन डाटा है प्लस जो आपका अनसर्टेन डाटा है, ठीक है, ये जो एस्टिमेटेड है उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी डाटा निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, उसका रिलेशन एक्चुअली क्या है अनसर्टेनिटी के साथ। लिख सकता हूं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी, एक ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी वहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही कम होंगे, और जहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर ज्यादा होने का मतलब है कि अनसर्टेनिटी उस डाटाबेस के अंदर उतना ही कम है, या जो भी आपको डाटा दे रखा है, जो भी डिजिट्स आपको दे रखे हैं, वहां पे अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो नंबर्स होंगे बच्चों वो उतने ही ज्यादा होंगे। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर द नंबर ऑफ, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्मॉलर, स्मॉलर इज द अनसर्टेनिटी।
स्मॉलर इज द अनसर्टेनिटी, और उसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसको नीचे एक्सप्लेन भी किया है मैंने कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्मॉलर इज द अनसर्टेनिटी, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वहां पे अनसर्टेनिटी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डाटा हो गया है, अब बात करते हैं यहाँ पे रूल्स को लेकर। ठीक है, तो रूल्स में बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो बेटा डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, आप लोग आंसर करना, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे आपको दिया है 42.3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ बेटा, तीन। हाँ कितने होंगे टोटल, थ्री होंगे, परफेक्ट। नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे 243.4, बेटा किसी का माइक, ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, आंसर बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूं बिना डेसिमल के 5446 इस तरीके से, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये भी आपको समझ पा रहा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका मैक्सिमम जो डाटा दे रखे वही होगा, दैट इज दी 234 जो भी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट मैं रूल्स की बात करूंगा, सेकेंड में रूल्स की बात करूंगा ए जीरो, ठीक है, A0 becomes significant figure if it is one second, yes, if it is appears between two non-zero, ठीक है, टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैंने बोला है रूल नंबर ये सेकंड है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कब हो जाएंगे। देखो पहले रूल में था कि सारे के सारे नॉन जीरो वाले, तो कोई डाउट ही नहीं है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, डेसिमल में है, विदाउट डेसिमल है, ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट इज अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, आप जरा आंसर करना, जैसे बच्चों लिया मैंने 5.03, यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, थ्री, कितना होगा बच्चों, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। नॉन जीरो डिजिट आपका 5 है और 3 है, बीच में आ रहा है जीरो, तो डेफिनेटली काउंट किया जाएगा। जैसे मैं पूछूं 6.007, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस हियर, ओनली वन, वन, मैंने बोला है 6.004 कितने हैं, करेक्ट है। तो जीरो अगर आपके जो टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है तो वहां पे वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड। अब रूल बात करते हैं थर्ड में, जरा मैं आपसे पूछना चाहूँ, बताना बेटा, जैसे मैं पूछूं 0.543, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, थ्री। जैसे मैं पूछूं यहाँ से 0.045, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे, टू। नेक्स्ट मैं पूछूं आपसे 0.0045, यहाँ कितना सिग्निफिकेंस, टू। यहाँ पे कितना होगा, टू, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना होगा, टू, यहाँ पे भी आपका टू, और यहाँ पे कितना होगा सिग्निफिकेंस, थ्री। हाँ, ये बिल्कुल जो आपका रूल थर्ड है उसी को रिलेट कर रहा है। तो रूल थर्ड में हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, ठीक है, आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर्स के लेफ्ट की बात करो तो लेफ्ट साइड आपको पता है LHS, मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला सेक्शन, तो यहाँ जो जीरो देख रहा है लेफ्ट साइड नंबर्स के इधर, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करने वाले हैं।
तो इसलिए यहाँ पे आपका टू हुआ, यहाँ पे टू, यहाँ पे आपका थ्री, ये फोर फाइव, यहाँ पे फोर फाइव, फोर थ्री, यहाँ पे आपका फोर फाइव। नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पूछू, बताना जरा, जैसे बच्चों 433.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे? कुछ बच्चे थ्री भी बोल रहे हैं, 433.00। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर ये? ध्यान देना, ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, कुछ बच्चे थ्री बोल रहे हैं, ठीक है, थ्री नहीं है, यहाँ का आंसर फोर है। यहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? फाइव होंगे, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम काउंट नहीं करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के जो जीरोस है ना, नॉन जीरो डिजिट्स के, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं, जैसे भी हम लोगों ने यहाँ कैंसिल किया था, ठीक है, जीरोस को। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैं बोलूँ ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट हैंड साइड में अगर आपको जीरोस दिख रहे हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3, डेसिमल के एक तरफ जीरो है तो ये काउंट किया जाएगा, तो आंसर विल बी 4। यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये दोनों जीरोस काउंट किए जाएंगे तो आंसर विल बी 5, करेक्ट है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक है, जिसमें किसी बच्चे ने 3 आंसर किया था उनको मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे 1 4 4 0 0, बताओ यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? 5। हाँ, अभी किसी ने 3 बोल दिया, अब किसी ने 5, यस, ओब ने बोला है 3 होगा। तो देखो मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान दो, एक मैं रूल्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ, 3 4 5 का कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं इफ ए नंबर, ठीक है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोज, ठीक है, कोई भी नंबर है जिसका एंड जीरोज के साथ हो रहा है, ठीक है, बट दीज जीरोज, ठीक है, आर नॉट टू बी, आर नॉट टू बी द राइट, आर नॉट टू बी द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, दीज जीरोज मे और मे नॉट, हम लिख सकते हैं यहां पे मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँ, अभी ओम ने आंसर किया है 3, किसी बच्चे ने आंसर किया है 5, तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका आंसर 3 भी करेक्ट है, 5 भी करेक्ट है, एक मैं और जोड़ देता हूँ 4 भी करेक्ट है। तो ये मे बी, हम बात जो कर रहे हैं ना वो समझ लो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक टर्म जो यूज कर रहा हूँ कि जो डेसिमल के बाद वाले थे उनको तो हम काउंट करेंगे, वो फिक्स है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 4 4.00, डेफिनेटली आंसर विल बी 5। बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर डेसिमल नहीं है उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ, इफ ए यहाँ पे लिखा है इफ ए नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर एंड्स हो रहा है बच्चों जीरोज के साथ, लास्ट में जीरो मिली है, बट दीज जीरोज आर नॉट टू बी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो वो जीरोज आपकी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, यस, अगर मैंने क्वेश्चन दिया था 1 4 4 0 0, तो इसका आंसर होगा कि मे बी 3 भी हो सकता है, मे बी 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकता है, मे बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, तो 3, 4, 5 ये आपको मिलेगा। ये बात ध्यान देनी, ऐसा नहीं कि अगर आपको 4 बोल दे तो गलत है, गलत नहीं, सही है वो, लेकिन डिपेंड अपॉन ऑप्शन, ऑप्शन में उसने मे बी या मे नॉट करके कैसे पूछा है उस तरीके से आपको आंसर करना है, करेक्ट है? तो इसका 3 4 5 ये आपका मे बी आंसर बन सकता है, तीनों ही बन सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, समझ में आ गया? परफेक्ट, ओके। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, जरा आप मुझे बताना यहाँ पे, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ 1.14 × 10⁴ ग्राम लिखा है मैंने, बताओ यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? मैं लिखूं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है, 3 विल बी द आंसर, ठीक है, यस 3 इज द आंसर। मैं अगर आपसे बोलूं, ये देखो ये साइंटिफिक मेथड है, लिखने का तरीका है, उसको आप इस तरीके से टर्म्स में लिख सकते हो, जैसे लिखूं मैं 1.140, ऐसा है 1.140 × 10⁴ ग्राम, जरा बताओ इसके सिग्निफिकेंस कितने होंगे? 4 4 4
बिल्कुल फोर इज द आंसर, करेक्ट आंसर है फोर होगा, बिल्कुल सही है। अभी इसको मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ, 1 4 1 1 4 × 10^3 कर लेते हैं 4, चलो बताओ कितना सिग्निफिकेंस होगा, कितना होगा सिग्निफिकेंस, 3। यस बिल्कुल सही 3। मैं अगर आपसे बोलूं 1 1 4 0 × 10^4 बताओ कितना सिग्निफिकेंस होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 होगा, 4 इज द आंसर, बिल्कुल सही 4 इज द आंसर। मैं अगर आपसे बोलूं 1.1400 मैंने ऐसे लिख दिया × 10^4 बताओ कितना सिग्निफिकेंस होगा, कितना होगा, हाँ डेसिमल के बाद वालों काउंट किया, 1 2 3 4 5 ये पूरे के पूरे 5, यस 5 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है तो ये आपको यहाँ पे समझ में बिल्कुल आ गया होगा, 5 इज द आंसर। इसके बाद यस इसके बाद नेक्स्ट मैं रूल्स की तरफ चलता हूँ। यस जैसे अगर बच्चों में यहाँ पे बोलता हूँ कि जैसे मैंने बोल दिया 1.0000 कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसके सिग्निफिकेंस कितने होंगे, मैंने बोला है 20, इसके सिग्निफिकेंस कितने होंगे, अच्छा इसी के साथ लिखा है मैंने 20.000 इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने ओनली 1, तो बताओ क्या दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर 1.000 लिखा है और एक 1 लिखा है, क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा, यहाँ पे इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, बताओ मुझे, नहीं 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 आएगा। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 1.000 का आंसर 6 आएगा एंड 1 का आंसर 1 आएगा, अच्छा उसका 1 आएगा बिकॉज वो 100% 1 ही है, यही ना, तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। अभी स्टेटमेंट को सुनना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल 2 balls or 20 eggs ठीक है, have infinity significant figures, अगर counting जो अगर कोई object उसकी counting के बारे में बात की जा रही है, जैसे 2 balls हैं, जैसे 20 eggs हैं, ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ टू काउंटिंग के बारे में बात की, 2 balls है या फिर आपके 20 eggs हैं या वट एवर जो भी काउंटिंग के बारे में आपके नंबर्स के बारे में क्वेश्चन में दे रखा है, तो उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो कैसा होता है, इन्फिनिटी, कैसा होता है उनका सिग्निफिकेंट फिगर रहता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी फिगर्स एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर, दीज आर दी एग्जैक्ट नंबर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग इन्फिनिटी नंबर ऑफ जीरोस, ऑब्वियसली 2 balls है तो 2.00 कितना भी लगा लो कोई इश्यू नहीं है, 20 x 20.00 आप कुछ भी इस तरीके से लगा लो, बिकॉज दीज आर दी काउंटिंग नंबर, ठीक है, उनके पीछे हम इन्फिनिटी जीरो को हम लगा सकते हैं, तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ जीरोस आर प्लेसिंग आफ्टर द डेसिमल हम लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा यह है कि अगर मैंने 20 बोला है तो दिस इज एक्चुअली दी 100% सर्टेन नंबर, 100% सर्टेन नंबर, लेकिन 20 के बाद जो डेसिमल लिखा है तो डेसिमल का मीन क्या है कि ये एक अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 फिक्स है उसमें डेसिमल प्लेस है ही नहीं है, और जो ऊपर लिखा है 1.00 वहां पे सिर्फ 1 लिखा है, तो ये भी 1 क्या है, ये 100% सर्टेन वैल्यू है। तो मैंने आपसे बोला था कि सिग्निफिकेंट फिगर दो चीजों से मिलके बनता है, सर्टेन वैल्यू प्लस अनसर्टेन वैल्यू, करेक्ट है, तो यहाँ पे सर्टेन वैल्यू डेसिमल तो है ही नहीं है 20 और 1 में, तो ये दिस इज एग्जैक्ट वैल्यूज, तो दिस इज सर्टेन, यहाँ पे 100% सर्टेन वैल्यू दिख रही है, लेकिन 1 के बाद जो 0.00 आ गया ना वो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप अनसर्टेनिटी है प्लस सर्टेनिटी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, समझ में आ गया, बिल्कुल, तो आप मुझे बताओ 1.000 में कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, सर 6 होगा, 6 ऑब्वियसली 6, लेकिन यहां मैं पूछूं यहां कितना होगा इस 1 में, 1 हाँ बिल्कुल सही 1 होगा, तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी नंबरिंग कोई ऐसी वैल्यू जाती है तो वहां पे हमें अगर डेसिमल के बाद 0 रखी है तो उन्हें हमें वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जरा बताना 0.0045 या सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर क्या होगा यहाँ पे, 2, बिल्कुल सही 2, लेफ्ट साइड में जीरो है ना तो काउंट नहीं होने वाले हैं, तो ऑनली आंसर विल बी 2, परफेक्ट। एक मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ, जरा आप मुझे बताना द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1050, ये क्वेश्चन है, हाँ मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें 3, सेकेंड ऑप्शन है इसमें 4,
थर्ड ऑप्शन है इसमें फाइव, और फोर्थ ऑप्शन है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैन बी एनी ऑफ दीज। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ये हो सकते हैं मे बी बिकॉज इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख लो, ध्यान देखना इसके थ्री कैसे हो सकते हैं, ध्यान से देखना। मैं लिखूं अगर 105.10 की पावर, मैंने यहाँ पे क्या 1 पॉइंट लिखू ना, 1.05 into 10 की पावर कितना कर दू मैं बताओ मुझे, 4 कर दू मैं, 4 ही हो जाएगा ना, करेक्ट है ना, 2 यहाँ से और ये दो आपके दो प्लेसेस यहाँ पे ना, तो अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंस में ये तो काउंट किए नहीं जाएंगे, तो यहाँ से आंसर कितना दिख रहा है आपको, 3 ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान दो 1.050, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1.0500, तो यहां से आंसर कितना मिलेगा, 5 into 10 power 4 तो रखना ही है, into 10 power 4, तो यहां से क्या आंसर मिलेगा, यहां से 4। तो देखो मैं रिप्रेजेंट करने के तरीके पे भी डिपेंड कर रहा है, कि इसलिए इसका आंसर आपका 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, तो ऑब्वियसली जो अगर 1 आंसर चूज करना है तो आपका 4th इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो लिखने के तरीके हैं इसलिए वो आपके डाटा बन सकता है। नेक्स्ट में पूछूंगा 5.041, बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 4, ऑब्वियसली 4 इज द आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा, परफेक्ट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे फिनिश होते हैं, अब मैं चलता हूँ बेटा आपके नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे मोल्स के बारे में, परफेक्ट। तो पहला पॉइंट होगा व्हाट इज मोल्स, मोल्स क्या है, तो मोल्स हम लोगों ने पढ़ी है क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और बट यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके बेटा वो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कितना एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ वो आपको फिजिक्स में मिलता है, तो फिजिक्स में आपको सर ने पढ़ाया होगा बिल्कुल, जितना केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। चलो बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पूछना है तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मोल्स के बारे में, तो मोल्स बेसिकली है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं मोल्स आर द बेसिक एसआई यूनिट, बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बेसिक एसआई यूनिट है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोल सकता हूँ कि मोल क्या करता है, मोल किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो बेटा मोल प्रोवाइड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मोल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताता है, बताओ मुझे मोल्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आप लोगों को, बताओ बच्चों। मोल्स जो है आपको बताया पहले मैंने मोल्स एक्चुअली है क्या, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोल्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो तो मैंने पहले लिखा है आपको दिख ही रहा है संदेश, ठीक है, वो तो मैंने पहले लिखा है ना कि मोल्स है क्या, मोल्स तो बेसिक आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, इसको हम लोगों ने कल भी, हाँ किसके बारे में बताता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में, किलोग्राम के बारे में बताता है क्या, नहीं एग्जैक्टली किलोग्राम, बिल्कुल सही है ना, हम निकालते हैं ना ग्राम निकालते हैं किलोग्राम निकालते हैं सब कुछ निकालते हैं, सही है आपका आंसर ना। देखो मैं बता देता हूँ मोल्स किस किस के बारे, ये तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वही भी पहले में यही बात, देखो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम ट्रेंड पे है, फॉलो करते जाएंगे, बस यूनिट कन्वर्जन वगैरह ध्यान रखेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो डेप्थ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको पहले समझना जरूरी है। तो मोल्स एक्चुअली है क्या, मोल्स इज दी बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेकंड पार्ट मोल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट किस किस के बारे में बताता है, नंबर्स के बारे में बताता है, बताओ तीन फॉर्मूले पढ़े थे ना आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, सेकंड किसके बारे में पढ़ा होगा, मास के बारे में पढ़ा होगा, अभी आपने आंसर भी किया था, नेक्स्ट वॉल्यूम के बारे में पढ़ा होगा, तो यही तो तीन चीजें हैं, इन्हीं तीन चीजों के आसपास हम लोग घूमते रहते हैं, नंबर्स मास वॉल्यूम, नंबर्स मास वॉल्यूम। तो मोल्स बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द नंबर मास एंड वॉल्यूम, करेक्ट, आपको पता है लेकिन आंसर निकालना मैं चाह रहा हूं, तो आंसर आपका निकल के आ गया है। अब मैं पूछूंगा कि आपको पता है कि एक डजन आम में कितने आम होते हैं, कोई बताएगा मुझे, सिंपल सा आंसर ऑब्वियसली 12, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक डजन आम में मैंने पूछा कितने आम होंगे तो आपका आंसर 12 हो गया, ठीक है। अब मैं पूछूं एक डजन एटम में कितने एटम होंगे,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एक डजन, ठीक है, एटम, एक डजन एटम में, ठीक है, कितने एटम होंगे, हाउ मेनी एटम्स, कितने एटम्स होते हैं, 12 होंगे या 12 से अधिक होंगे? नो सर, 12 भी होंगे, बिकॉज़ देखो अभी हमने बोला है 12 होंगे, कोई अवोगाड्रो नंबर भी लगाना चाह रहा है। देखो देखो मैं सिंपल बोलता हूँ, अभी मैंने बोला था कि एक डजन आम में कितने आम होते हैं, आपका आंसर था बिल्कुल कि सर 12 होते हैं, तो फिर मैंने यहीं पे एक लाइन मैंने डाल दी कि एक डजन एटम में कितने एटम्स होते हैं, तो आंसर आपका कुछ अवोगाड्रो नंबर जैसा आ गया, कुछ नहीं बेटा 12 भी होंगे, बिकॉज इट इज ए फिक्स वैल्यूज ना 12। मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपसे पूछूं, जरा ध्यान से देना, कि एक डजन रुपीज, ठीक है, एक डजन रुपीज, मैं पूछूं आपके फादर के पास ना एक डजन रुपीज है, तो बताओ मुझे कितने रुपीज हैं, कितने रुपीज हैं, 12 रुपीज होंगे ना, वो डाटा थोड़ी ना बदल जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि एक डजन मीन्स का मतलब है एक डेफिनेट नंबर, भाई एक डजन मीन का मतलब क्या है, हर जगह 12 ने करके आ रहा है, तो एक डजन मीन्स का मतलब है डेफिनेट नंबर। देखो मोज को मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे लेके जाऊंगा, एक डजन जो डाटा है उसका मीन होता है डेफिनेट नंबर, तो हर 12 मिल रहा है। ठीक वैसे ही आपका होता है, ठीक उसी तरीके से डजन से बच्चों क्या होता है, होता है, तो जो मोल भी एक डेफिनेट नंबर है, मोल इज ऑल्सो ए डेफिनेट नंबर, प्लीज लिसन केयरफुली, जैसे आपका डजन होता है ना, तो उसी तरीके से मोल्स भी एक डेफिनेट नंबर है, तो ये डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसे ही मिलने वाला है, जैसे एक डजन में 12 आपको एटम्स मिल रहे हैं, तो इसी तरीके से आपका जो मोल है वो भी किसी डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट डेफिनेटली करेगा, करेक्ट है, हमने आंसर भी दे दिया मुझे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगा कि वो जो नंबर होता है वो आता है 1 mole = 6.022 × 10³, जिसको बेटा एवोगाड्रो ने डिफाइन किया था, जिसका आपका रिप्रेजेंटेशन है एन ए, ए का मतलब है एवोगाड्रो, एन का मतलब है नंबर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना जरा, बिल्कुल ये डाटा आया कहाँ से, अभी मैं बताऊंगा। देखो अभी ये समझ में आ गया ना, दिमाग में बैठ गया कि मोल इज ए डेफिनेट नंबर और कुछ भी नहीं है, मैं पूछू 1 mole एटम्स है, इसका मीन बताओ मुझे कितने एटम्स है, मैंने बोला है वही एग्जैक्टली सेम नंबर, मैंने सीधा बोला है 1 mole एटम्स का मतलब कितने एटम्स, यही सेम नंबर, बिल्कुल यही एटम्स होंगे। मैं पूछू 1 mole मॉलिक्यूल्स हैं, मैं बोलूं कि मेरी जेब में ना, मेरे पॉकेट में 1 mole मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स में रखे हूँ, इतने मॉलिक्यूल्स रखे हूँ, करेक्ट। मैं बोलूं मेरी जेब में 1 mole आयंस हैं, ठीक है, मैं बोलूं खदीजा के पास में 1 mole आयंस हैं, तो 1 mole आयंस का मतलब इतने आयंस हैं, 6.022 × 10³। मैं बोलूं हमारे पास 1 mole रुपीज हैं, चलो मैं बोलता हूं आपके पापा के पास ना 1 mole रुपीज हैं, 1 mole रुपीज, पापा से बोलना मुझे 2 mole रुपीज चाहिए, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आएगा, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ी होंगी ना तो उनको बिल्कुल पता होगा, तो हाँ बिल्कुल ऐसा करके कल के बोलना, थोड़ा मस्ती आएगी, ठीक है। तो मैं बोलूं 1 mole रुपीज है, तो कितने रुपीज है बच्चों, इतने रुपीज है, 6.022 × 10³ रुपीज है, समझ में आ गया, एन ए क्लियर हो गया, मोल्स क्लियर हो गया, ये डाटा कहाँ से आया है, वैल्यूज कहाँ से, मैं बताऊंगा अभी, तो पहले इधर देखो, मैं बच्चों बोलूं 1 mole एटम, रिप्रेजेंटेशन सीखो, 1 mole एटम इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं एन ए एटम, लिख सकता हूं इस तरीके से, मैं लिखूं 1 mole मॉलिक्यूल, मैं लिखूं 1 mole मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन ए मॉलिक्यूल्स, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बोलूं 1 mole आयन, मैं बोलूं 1 mole आयन, तो आप बोलोगे बिल्कुल कि यहाँ पे एन ए आयन्स होंगे, ठीक है, वही सेम डाटा है, वही सेम डाटा बार बार रिपीट हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, मैं एक तरह एक लाइन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप जरा सुनना ध्यान से, एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का 6.022 × 10³ एटम, ठीक है, देखना बच्चों ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का 6.022 × 10³ एटम्स के वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ मुझे, कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के इतने सारे एटम्स है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि बिकॉज एलिमेंट होमोजेनियस मिक्सर कॉम्बिनेशन होता है, उसमें होमोजेनियस कौन होते हैं, एटम्स होते हैं भाई, कोई भी एलिमेंट है ऑब्वियसली, तो मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट
वो एलिमेंट किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, ठीक है ना। तो एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, एटम से। तो आपका जो एलिमेंट्स बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटम्स होता है, उसमें एटम्स ही होते हैं। जैसे बोलूं बच्चों में कार्बन, तो कार्बन जो एलिमेंट है उसमें कार्बन के ही बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, करेक्ट है। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर का कार्बन एटम्स बनाया कार्बन का एलिमेंट। तो मैंने बोला था कि बच्चों किसी भी एलिमेंट का 6.022 × 10³ एटम्स के वेट को हम लोग बोलेंगे ग्राम, क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट अलग अलग नहीं होता है, फिजिक्स में होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वेट आपका बदल जाता है, अब सुनना बच्चों ध्यान से, मास से वेट बदल जाता है फिजिक्स में। मैंने एक टर्म, एक लाइन जो बोली थी वो आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने सिंपल बोला था किसी भी एलिमेंट का 6.022 × 10³ जो एटम्स, उनका जो वेट होगा उसको अपन ग्राम एटॉमिक मास और वेट बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं एक तरीके से और बोलूं, ध्यान सुनना। मैं अगर आपसे बोलूं कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से बोलूं, सुनना ध्यान से जरा। मगर इसको बोलूं किसी भी एलिमेंट का 6.022, किसी भी एलिमेंट का 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल्स के वेट को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के वेट की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि मास ऑफ वन मोल एटम इज इक्वल टू, बताओ मुझे मास ऑफ वन मोल एटम इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास 1 ग्राम एटॉमिक मास, यस। मैं इसमें इसी चीज को इस तरीके से लिखूं, ध्यान दो, मैं अगर इस चीज को ऐसे लिखूं बेटा, मास ऑफ वन मोल एटम्स, हमारे पास वन मोल एटम्स हैं, तो वन मोल एटम समझते हो ना, वो जो नंबर 6, बहुत सारे एटम्स हैं, तो इतने सारे एटम्स को मैं बच्चों बोल सकता हूं क्या, एटॉमिक मास। बिल्कुल बोल सकता हूं कि भाई वन मोल एटम का जो मास है उसको मैं एटॉमिक मास ही तो बोलूंगा ना, समझ में आ रहा है। और अगर इसी एटॉमिक मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो क्या बोलूंगा, ग्राम एटॉमिक मास। इफ दिस एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, देन वी विल कॉल इट इज ग्राम एटॉमिक मास। और इसी के साथ अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, ध्यान दो, मैं अगर बोलूं मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, तो जो वन मोल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मास या वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ बच्चों, वन मोल मॉलिक्यूल है, वन मोल मॉलिक्यूल मतलब समझ में आता है कितने सारे, वो सारे पार्टिकल 6.022 × 10³, कितने सारे मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास, क्या बोलेंगे, मोलर मास। और इस मोलर मास को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं ग्राम के अंदर, ठीक है, तो इसको नाम हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करूं, बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनना जरा ध्यान से, मैं बोलूं मास ऑफ वन मोल एटम इज इक्वल टू, ऑब्वियसली आंसर विल बी एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास ग्राम में करेंगे रिप्रेजेंट तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब इसके बाद मैं जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलता हूं कुछ और पॉइंट समझाने के लिए, ध्यान दो। मैं अगर बच्चों इसको ऐसे लिखूं, ध्यान दो, मास ऑफ 6.022 × 10³ एटम्स, इसका मीन क्या है बच्चों, इसका मीन है एटॉमिक मास, इसका मीन क्या मैं बोल सकता हूँ, एटॉमिक मास, ग्राम में तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब इसी को मैं चेंज करके लिखूं कि बच्चों मास ऑफ वन एटम का मास कितना होगा, बताओ जरा, आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि भाई मास ऑफ इतने सारे एटम्स को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ना, ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास। अब एक क्वेश्चन है कि एक एटम का मास कितना होगा, 1/6.022 × 10⁻¹, बिल्कुल, जो एटॉमिक मास ऊपर आ जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक मास तो ग्राम में था वो ऊपर लिख लूं मैं, और नीचे क्या आ जाएगा, जो आपको ये जो वैल्यूज दिख रही है, दिस वैल्यूज इज 6.022 × 10³, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं क्या कि दिस इज एटॉमिक मास डिवाइड बाय एनए, एटॉमिक मास डिवाइड बाय एनए, तो एक एटम का जो मास आएगा वो ये होगा, एटॉमिक मास में अगर मैं एनए का डिवाइड कर दूंगा तो यहां से हमारा एक एटम का जो मास होगा वो निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है, तो आपको मैं इसको लिखता हूं 1/NA, इसका मीन क्या है,
बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए, बंड भाई यानी का मतलब क्या, बंड बैठ भाई 6.022 × 10³ और इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ये कितनी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर इस वैल्यूज को मैं लिखूं तो बंड बैठ भाई ये 6.022 × 23 है ना, तो बंड में अगर मैं इस वैल्यूज को डिवाइड करूंगा ठीक है, तो नीचे जो माइनस तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो। मैं अगर केजी की बात करूं ना, वन इलेक्ट्रॉन को लेकर बात करूं तो ये 1.66 हो जाएगा इंटू ऊपर कितना होगा 10⁻²⁴ मान जाएगा और ये ग्राम हो जाएगा, जिसको मैं अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो 1.6 × 10⁻²⁴ केजी। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए है क्या बताओ मुझे। मैंने क्या किया है, ऊपर मैंने क्या लिया है, ये हाइड्रोजन के लिए है। बताओ बच्चों हाइड्रोजन किसके लिए है डाटा, क्योंकि ऊपर जो वन लिखा गया है वो वन एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास है, और वन एटॉमिक मास मैंने किसका ले लिया है, हाइड्रोजन का ले लिया है। प्रोटॉन्स के बारे में बात कर सकते हैं, यस बिल्कुल, नीचे मैंने उसके नंबर्स ले लिए हैं, तो मास डिवाइड बाई वो आपको जो नंबर्स है उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यही वैल्यू। आप मुझे सोच के बताना कि 1.6 × 10⁻²⁴ केजी किसका मास होता है, 1.6 × 10⁻²⁴ केजी किसका मास होता है, किस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स, यस प्रोटॉन, ओके मास ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही करेक्ट। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं ना तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। अब इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूं, 1/NA, 1/NA को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 AMU, 1 AMU का मतलब एटॉमिक मास, इट इज अ यूनिट। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूं 1 एबोग्राम, ध्यान दो इसको मैं 1 एबोग्राम भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये अलग अलग लिखने के तरीके हैं, मैं 1/NA को ये भी बोल सकता हूं, इस तरीके से बोल सकता हूं, और कैसे बोल सकता हूं, 1/NA को हम बोल सकते हैं 1 डाल्टन, 1 डाल्टन भी बोल सकते हैं, और इस 1/NA को हम लोग 1U भी बोल सकते हैं, यू के मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, दिस इज ऑल्सो ए यूनिट। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, 1/NA को हम बोल सकते हैं 1 AMU या 1 एबोग्राम बोल सकते हैं, 1 डाल्टन बोल सकते हैं या 1 यूनिफाइड मास बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछो जरा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जरा मुझे बताना स्टेटमेंट है सीधा। मैं पूछूं कार्बन के, ध्यान सुनना, मैं पूछूं कि कार्बन के 6.022 × 10³ एटम्स हैं, ध्यान देना, कार्बन के 6.022 × 10³ एटम्स का मास, इन इतने सारे एटम्स का मास, मैं उसको किस में बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो मास होगा वो होगा आपका ग्राम एटॉमिक मास होगा, और ये ग्राम एटॉमिक मास जो कहलाएगा, जो बोला जाएगा, उसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम होता है ना, 12 ग्राम है, 12 AMU, 12 ग्राम, यस बिल्कुल, बिकॉज मैंने हर टर्म यूज किया, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला है, 100 कार्बन एटम है उसके कितने एटम्स हैं, 6.0, एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है, मैं एटम्स रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन आपका जो एलिमेंट, मैं बोल सकता हूँ कार्बन की लिखा है, कार्बन का लिखा है, तो कार्बन वो एटम नहीं है, कार्बन यहाँ पे कैसा है, एलिमेंटल फेज में है, कैसा है, एलिमेंट की फेज में है, और उस एलिमेंट में इतने सारे एटम्स है, बिकॉज एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है, तो कार्बन की 6.022 × 10³ जो एटम्स हैं उनका जो मास होगा उसको मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर है, और इसका वेट कितना होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 12 ग्राम, कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है, इनको ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा, करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान देना, क्या आप सोच रहे हो कि कार्बन के 1 एटम का मास 12 ग्राम होता है, क्या ऐसा हो सकता है, बताओ मुझे, कार्बन के 1 एटम का मास क्या 12 ग्राम हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नो बिल्कुल नहीं हो सकता, हेलो सर नहीं है,
हेलो। चलो परफेक्ट, अभी क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे एक स्टेटमेंट को लेके, आवाज आ रही होगी राइट, भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, मास ऑफ 6.022 × 10²23 एटम्स, ठीक है, ऑफ C12, कारण के आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं उसी की बात कर रहा हूँ, C12, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा जरा मुझे फिर से सोच के बताओ। देखो वन एटम का मास तो वो हो नहीं सकता, मैंने बोला है कि C12 एक कार्बन का आइसोटोपिक फॉर्म है जिसके में बेटा कितने एटम्स हैं बताओ, 6.022 × 10³, इतने सारे एटम्स हैं, तो उन एटम्स का मास मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, ओवरसे 12 ग्राम, कोई इश्यू इसमें नहीं, इतने सारों का मास तो 12 ग्राम ही होगा ना। तो अगर मैं अब यहां से पूछूं कि मास ऑफ, जो हम पूछना चाह रहे थे कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, तो C12 के इतने सारे एटम्स का मास तो 12 ग्राम था। अब मैंने पूछा है कि वन एटम ऑफ C12 का मास कितना होगा, तो बोलोगे आप सर कि 12 डिवाइड बाई कितना नंबर से हमारा, 6.022 × 10³, वी विल कैलकुलेट। तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई Na, और थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, हाँ मैंने पढ़ा था 12 डिवाइड बाई 12 × 1 Na में लिख सकता हूँ, तो 1 बाई Na का मतलब क्या था बताओ मुझे, 1 बाई Na का मतलब क्या था, 1 AMU था, ऑब्वियसली बिल्कुल सही, मैं इसे 12 AMU बोल सकता हूँ, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे 12 एबोग्राम भी बोल सकता हूँ। ध्यान दो ये आपके एडवांस में एबोग्राम पे क्वेश्चन आता है, 12 एबोग्राम भी बोल सकता हूँ मैं से। दूसरा मैं से वन, मैं से कितना बोल सकता हूँ, 1 बाई Na मतलब 1 डॉल्टन होता है ना, तो मैं से 12 डॉल्टन भी तो बोल सकता हूँ, 12 डॉल्टन भी बोल सकता हूँ, मैं इसको 12 क्या U भी बोल सकता हूँ। यस दीज आर द यूनिट्स, इन यूनिट्स को ध्यान रखना है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि इतने सारे एटम का मास तो 12 ग्राम होगा, तो वन एटम का मास तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो निकालने का तरीका है बच्चों हमारे पास, 12 डिवाइड बाई 6.022 × 10³, इसको अपन बोल सकते हैं वन, इसको बोल सकते हैं Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर, 12 बाई Na, 12 × 1 बाई Na लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई Na का मतलब होता है EMU, एबोग्राम, डोल्टन, यूनिफाइड मास। कितने बच्चों क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला को देखो, सिंपल तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, कोई डाउट ही नहीं रहा है इसमें, बिल्कुल। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान सुनो, पहले ना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डेप्थ में समझना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स अपने आप बनते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता, देखना सारी चीजें ऑटोमेटिक बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं, ध्यान देना बच्चों, मैं पूछूं C12 के अब आंसर करना मुझे, C12 के Na एटम का मास, C12 के Na एटम का मास कितना होगा, आप आंसर करो मुझे कितना होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट न्यूमेरिकल से मिलते हैं, तो यहाँ पे आपने बोला है 12 ग्राम, सभी लोग आंसर करेंगे कितना होगा, 12 ग्राम, ऑब्वियसली बेटा इतने सारे पार्टिकल्स हैं उसमें C12 का मास पूछा गया है, तो बस ये 12 ग्राम ही होगा। लेकिन मैं पूछूं कि C12 के 1 एटम, मैं पूछूं C12 के 1 एटम का मास बताओ मुझे जरा, एक एटम का मास, बिल्कुल बोलोगे 12 AMU या फिर यू, वट एवर जो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं। मैं थर्ड अगर आपसे यहाँ पे एक डाटा पूछूं, स्टेटमेंट पूछूं कि C12 के 1/12, देखो मैं डेफिनेशन की तरफ चला जा रहा हूँ एक एक स्टेप करके, Na का मास कितना 12, वन एटम का मास 12 AMU, मैं पूछ रहा हूँ C12 के 1/12 एटम का मास, सोचो C12 जो आइसोटोपिक फॉर्म है उसके 1/12 एटम्स का मैं मास पूछ रहा हूँ, एटम्स का मास, तो कितना होगा बच्चों जल्दी से बताओ मुझे, तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, 12 × 1/2 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 AMU, कितना आंसर होगा भाई, 1/12 भाई, 1 एटम, लिसन केयरफुली, C12 के 1 एटम, छोटा सा एटम है, उस एटम का मास अपन कैसे बोलेंगे बच्चों, AMU के अंदर, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बोला है देखो Na का मास कितना है 12, Na को मैंने चेंज किया है 1 एटम, 1 एटम में, फिर 1 एटम को चेंज किया है मैंने 1/12 पार्ट में, तो वही उसी एटम का 1/12 पार्ट, तो कितना 1 AMU निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ सभी लोग, तो C12 के 1/12 एटम्स का मास कितना होगा, कितना होगा 1 AMU। अब इसी 1 AMU को हम लोग लेके जाएंगे डेफिनेशन में मोल्स की, और उसको करेंगे हम लोग इंट्रोड्यूस, समझ में आ गया, करेक्ट। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जरा आप मुझे बताना, मैं कुछ स्टेटमेंट और लिखता हूँ, मास ऑफ 1 मोल एटम,
मैंने पूछा है मास ऑफ वन मोल एटम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा बताओ सभी लोग, क्या क्या आंसर होगा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? अरे भाई वन मोल बोल दिया है ना, वही आप अगर लिखने के तरीके हैं, कुछ भी नहीं, आंसर विल बी 16 ग्राम। बिल्कुल सही आंसर है 16 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई एन ए, यही होगा ना 16 बाई एन ए, और 1 बाई एन ए का मतलब पता, यूनिफाइड मास। इसका आंसर कितना हो गया है 16 amu, या फिर 16 आपका यूनिफाइड u, u भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, परफेक्ट है। ओके अब सुनना ध्यान से, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ और भी लेके आ रहा हूँ। डॉल्टन, यस बिल्कुल सही, नेक्स्ट मैं कुछ और वर्ड लेके आ रहा हूँ, उनको भी केयरफुली आपको सुनना है। मैं बच्चों बोलना चाह रहा हूँ ग्राम मोल, मैं बोलना चाह रहा हूँ ग्राम मोल इज इक्वल टू, ग्राम मोल इज इक्वल टू, मैं मोल यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये ध्यान दो। सेकेंड में अगर आपसे न्यूमेरिकल में लिखा मिलता है वन ग्राम एटम, क्वेश्चन लिखे मिले वन ग्राम एटम का मतलब क्या समझना है आपको? आपको समझना है वन मोल एटम, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूं वन ग्राम मॉलिक्यूल, क्वेश्चन में कहीं लिखा है वन ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो क्या समझना है आपको? समझना है उसका मीन वन मोल मॉलिक्यूल, और कहीं वन मोल मॉलिक्यूल लिखा उसको ग्राम के बारे में कहीं डिस्कशन करना है तो वन ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको समझना है। नेक्स्ट मैं बोलूं बच्चों वन ग्राम आयन, तो वन ग्राम आयन को मैं बोल सकता हूं वन मोल आयन। ध्यान दो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ बच्चों, जो ग्राम मोल है वो इक्वल टू क्या हो गया है आपके मोल के। तो मैं इन स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूं कि वन ग्राम एटम का मतलब वन मोल एटम, वन मैं बोलूं कि टू ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं तो बच्चों बोलूंगा टू मोल मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, कहीं लिखा है फाइव ग्राम आयंस लिखा है तो मैं समझूंगा फाइव मोल्स आयंस हमारे पास प्रेजेंट है। डायरेक्ट चेंज करना है कुछ भी, ऐसा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की खास कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आपको मिलेगा, इसके रिलेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, परफेक्ट है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, जरा बताना मुझे, एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, क्या समझते हो आप उसका मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 ग्राम, एक सेकेंड, मैंने आपको पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो जो कार्बन है उसके 12 ग्राम एटम का जो स्टेटमेंट जो मीन है वो क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 12 मोल एटम ऑफ कार्बन, क्लियर है ना, 12 मोल एटम ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, स्टेटमेंट का मीन बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे एक स्टेन और बोलता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ऐसे लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मीन आप क्या समझोगे? इसका मीन अगर मैं ऐसे लिखूं मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, या मैं लिखूं इसको वन मोल, या मैं लिखूं इसे वन मोल, या मैं लिखूं 12 ग्राम, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के 12 ग्राम की बात की जा रही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो 12 ग्राम है ना वो कार्बन एटम का वो है क्या, वो मास ही तो है, तो मास है, वो मास कितना है 12 ग्राम, ऐसे समझ सकते हैं। और 12 ग्राम कितने का है, वन मोल का है, उतने सारे पार्टिकल्स का है, कोई इसमें डाउट हो रहा है बताओ मुझे? यहां तो किसी बच्चों को कुछ डाउट है सर? रिपीट करो ना फिर से। ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो मैंने यहां बोला है कि 12 ग्राम जो एटम्स हैं कार्बन, ऐसा कहीं भी लिखा है तो उसका मीन क्या है? 12 ग्राम भाई, 12 ग्राम जो मास है वो 12 ग्राम एटम है, किसके हैं? कार्बन के। तो एक जो कार्बन एलिमेंट है उसके पास बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स का मास 12 ग्राम है, मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला है कि भाई जो कार्बन तो एलिमेंट है, उस कार्बन के एलिमेंट में जो एटम्स हैं उनका मास 12 ग्राम है, स्टेटमेंट में ऐसा ऊपर समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो, स्टेटमेंट में है कि पैरेशन बच्चे फंस जाते हैं, समझो इसे। मैंने बोला 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 12 ग्राम एटम्स हैं भाई,
आपके, अब मुझे बताओ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 भी होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो ग्राम में भाई इतने सारे, कितने सारे एटम्स है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10³, इतने सारे एटम्स कार्बन के ही हैं, जिससे बना है कार्बन एलिमेंट, और उसके पास टोटल मास कितना होगा? वो मास होगा 12 ग्राम। अगर मैं 12 amu बोलता है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए था कि 12 amu एक कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का मास 12 amu होगा। समझ में आ गया पूरा? मैं इसको देखो अलग टर्म से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लिखा है ना वो क्या क्या वो समझो, 12 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन किससे मिलके बना है? एटम से। समझ में आ रहा है पूरा? अब कितने एटम्स हैं? एवोगाड्रो नंबर जितने, उतने सारे एटम का ही मास 12 ग्राम हो सकता है, एक एटम का मास तो amu होता है। समझ में आ गया? तो उसको नीचे लिखा है मैंने कि 12 मोल्स, नीचे लिखा है मैंने 12 मोल एटम ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। मतलब यार सीधा सा मैंने क्या किया है कि मैंने ग्राम एटम को मोल से रिलेट अभी किया था, आपको पता होगा ग्राम एटम को मैंने किससे, मोल्स के साथ किया था ना, ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल, मैंने बोला था ना ग्राम एटम इज इक्वल टू मोल, बताओ, मैंने बोला था 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम, अभी लिखा था मैंने, दूसरा 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल, फिर मैंने बोला था 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू 1 मोल आयंस। तो क्वेश्चन में लिखा है 12 ग्राम एटम, सीधा लिखा है 12 ग्राम एटम, तो ये ग्राम एटम, तो 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 12 ग्राम एटम इज इक्वल टू 12 मोल, सीधा आंसर 12 मोल आपको मिल गया है, कोई इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर। दूसरा मैंने बोला है कि 12 ग्राम ऑफ C12 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं वही टर्म है यार, सीधा सीधा वही उसी टर्म को मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो क्या है इसका मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के 12 ग्राम, 12 ग्राम का समझते हो वो मास है, वो मास किसका है, कार्बन एटम का ही है, और कितना है 12 ग्राम बोलो या फिर उसे आप 1 मोल बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बताओ, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 × 10²³, और इसमें अगर मैं बात करूं इतने सारे एटम का मास कितना होता है, तो आपका 12 ग्राम, और एटम्स इतने कंबाइन करेंगे तो एक एक एलिमेंट बन जाएगा, मेरी बात समझ में आ गई, परफेक्ट यहां तक? अभी कोई लेक्चर है आप लोगों का? यस यस सर। कितने बजे से? 5 o'clock।